अभी कुछ समय पहले ही हुई है एमिवे और रफ्तार के बीच कुछ कंफ्यूजन। जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि रफ्तार को बात को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एमिवे को शायद वो बात समझने में कोई गलती हुई है। अगर आप अपनी सिंगिंग पर फीडबैक चाहते हैं या उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रेट माई सिंगिंग ऐप जरूर डाउनलोड करें। मगर सच तो यह है कि हम इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन बिल्कुल पक्का नहीं कर सकते, पर जो बात हम सच मान सकते हैं वह यह है कि रफ्तार की लड़ाई सिर्फ एमिवे के साथ ही नहीं हुई है। एमिवे से पहले रफ्तार ने इक्का के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था जिसकी वजह से उन दोनों में काफी दुश्मनी हो गई थी। तो बात एग्जैक्टली ये हुई कि अपने एक इंटरव्यू में रफ्तार ने बताया कि उन्हें इस बात पर बहुत दुख होता है कि आज उनको इतनी सक्सेस मिली है पर उनके दोस्त इक्का और लिल गोलू को नहीं। उन्होंने यह भी बोला कि वो चाहते हैं कि उनके हक के लिए लड़ें, पर शायद इस बात ने इक्का की ईगो को हर्ट किया। इस वजह से इक्का ने यूट्यूब पर खूब भड़ास निकाली। इक्का ने इसके जवाब में एक वीडियो में कहा कि रफ्तार को सोच समझकर बोलना चाहिए था, और काफी हद तक ऐसा ही केस है रफ्तार और एमिवे के बीच। एमिवे के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा रफ्तार ने। रफ्तार फैक्ट्स में बिलीव करते हैं, पर शायद हमेशा फैक्ट सच नहीं होते या फिर उनसे समझने में कोई गलती हो जाती है। पर जो भी है, रफ्तार की इन्हीं गलतियों की वजह से उनसे नाराज चल रहे हैं एमिवे, और अब भी जारी है ये रैप बैटल जहां पर अब रैपिंग की आर्ट से अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है।